नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रादेशिक और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौहान। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में खराब हुए हालात के लिए पीएम मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि वहां महिलाएं भी सेना पर पत्थरबाजी कर रही हैं। वहीं उन्होंने अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा कश्मीर मामले पर दिए बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि अय्यर का बयान पार्टी स्टैंड से हटकर है। उन्होंने केंद्र सरकार के 3 साल के कार्यकाल को भी पूरी तरह फेल बताया और कहा कि मोदी की गलत नीतियों के चलते जम्मू कश्मीर में सेना की दुर्दशा हो रही है। 3 साल में देखिए, इन्होंने आज कश्मीर में बदहाली है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, आज नक्सलियों का रोज अटैक होता है। कश्मीर में आप झंडा नहीं फहरा सकते, हमारे सैनिकों को रोज़ वहाँ शहीद होकर आ रहे हैं, वहाँ के हमारे जो CRPF जवान गोली चलाने का आदेश नहीं है उनको लोग पत्थर मारते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे थे कि हम रिवाड़े को सिंगापुर बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और इन्होंने ये कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ हम रोज़गार देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। जो जो इन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं किए, जो घोषणाएँ की उनको पूरा नहीं किया। रिवाड़ी का जो बॉयज़ स्कूल था आज तक 3 साल हो गए बना नहीं।